जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। कहीं फला फला आचार्य जी हैं, कहीं प्रशांत जी हैं, कहीं पर ये हैं। पूरी मेरी जिंदगी का कुल नतीजा ये है कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ। वेदांत दर्शन जो है, वेदांत दर्शन को सुनना, श्रवण करना, वो हर एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो आध्यात्म में जुड़े हुए है, उनका कर्तव्य है कि वेदांत दर्शन को सुनना, श्रवण करना। हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को वेदांत दर्शन का श्रवण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हर किसी को बिना हिचकिचाए वेदांत दर्शन का भरपूर मात्रा में श्रवण करना चाहिए, सही तरीके से, खुद के ही मन मर्जी से, खुद के ही सोच से उसको विचार करके पढ़ना नहीं है, किसी प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक व्यक्ति के निरीक्षण में रह करके उनके निर्देशों पे वो सारी चीज़ अध्ययन करना है और समझना है। खुद के मन मर्जी से पढ़ के, खुद के ही मनगढ़ंत कहानी बना के, उन सूत्रों का कुछ अलग मतवाद अपने दिमाग में चला के अन्य के सामने उसको प्रचार नहीं करना है, कुछ अलग तरीके से उसको प्रस्तुत नहीं करना है। अपने अपनी मर्जी से पढ़ने लग गए और उस वेदांत सूत्रों का कुछ अलग ही विचार बनाया अपने मन में और अलग तरीके से प्रस्तुत करने लग गए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ। समस्या क्या है ना कि ये लोग जो है श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवत जो है, इनको हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं, अपनाते नहीं है अपनी जिंदगी में। जो वेदांत दर्शन है उसका एक स्वाभाविक टीका है, वेदांत दर्शन का सार है पूरा उसमें, श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवत में वेदांत सूत्रों का पूरा निष्कर्ष मिलेंगे उसमें। वेदांत, वेदांत का अर्थ क्या है, जो वेदों का अंत है, जो वेदों का निष्कर्ष है, अल्टीमेट कंक्लूजन, वेदों का अंत, वेदांत, वेदों का अंत मतलब कि वेदों का निष्कर्ष में पहुंचना है हमें, उसी को वेदांत कह सकते हो आप। जब आप वेदों के निष्कर्ष में पहुंच जाते हो तब जाके वो वेदांत सिद्ध होता है। और जो श्रीमद् भागवतम में पूर्ण तरीके से दिया गया है, जो श्रीमद् भागवतम है उस वेदांत का पूर्ण विस्तार है। श्रीमद् भागवतम जो है उसमें वेदांत सूत्रों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूं। लेकिन आइए जानते हैं भगवद गीता इस संदर्भ में क्या कहती है। भगवद गीता चैप्टर 15 वर्स 15, सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निविष्टो अथ स्मृति ज्ञानम् अपोहनम् च वेदयो च सर्वे अहम् एव वेद्य वेदांत कृत वेद बीत एव च अहम्। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, अवस्थित हूँ, परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ। मेरे द्वारा जीवात्मा स्मृति ज्ञान प्राप्त करता है और मेरे द्वारा ही विलुप्त हो जाता है। हे अर्जुन, मैं सारी वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं वेदांत का कर्ता हूँ, मैं वेदांत हूँ, मैं वेदों का अंत हूँ, वेदों का निष्कर्ष हूँ, वेदों के द्वारा, वेदांत के द्वारा मुझे ही जानना है। मतलब भगवान यहाँ पे क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि सारी वेद शास्त्र, वेदांत सूत्र आदि जितने भी ग्रंथ आदि इत्यादि है, सारी अध्ययन करके ये निष्कर्ष में पहुंचना है कि उन सारी शास्त्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जानना है। भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में लगना है। जितने भी सारे वेद है, वेदांत सूत्र है, वो सारे हमें यही निर्देश देता है कि भगवान श्री कृष्ण को उपलब्धि करना है। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूं। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण को नहीं जाना वेदांत सूत्रों का, वेदांत अध्ययन करके, और ऊपर से वहां पे भगवान श्री कृष्ण के खंडन कर दिए। आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं, कृष्ण क्या मानते हो तुम, वो निराकार है। तो श्री कृष्ण का स्मरण किसी रूप में नहीं करना है तो उनका तो कोई रूप हो भी नहीं सकता। उनका जो रूप है, स्वरूप है, उसी का ही खंडन कर रहे हैं वेदांत सूत्र अध्ययन करके। तो आप कौन सा वेदांत सूत्र का अध्ययन कर रहे, कौन सा वेदांत पढ़ रहे हैं? इसीलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जो वेदांत, जिनके पास दांत नहीं है, और असली वेदांती कौन है, जो भगवान के भक्त है वो असली वेदांती है। जिनके पास दांत है वो खाना चबाने वाले दांत नहीं, अकल का दांत, उसमें भी चबाया जाता है, अकल के दांतों से भी चबाया जाता है, वो अकल का दांत होता है ना, जो भक्ति करने से उगता है, अकल का दांत, वो उगने से जबड़ा थोड़ा दर्द होता है। और वो भक्त क्या करते हैं, उस अकल के दांतों के द्वारा जितने भी वेदांत सूत्रों का, जितने भी शास्त्रों का अपसिद्धांत बताने वाले है, जितने भी अपसिद्धांत है, गलत गलत मतवाद है, मायावादी भाष्य है, उनको चबा के खा जाते हैं। सिर्फ चबाते नहीं, चबा के खा जाते हैं, ग्रास कर लेते हो सारे सिद्धांतों को, चबा देते हैं पूरे तरीके से। असली वेदांती भगवान के भक्ति है, मतलब कि वैष्णव वेदांती। मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ। मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, वेदांत दर्शन का मेरे में कोई ज्ञान नहीं है, अध्ययन भी शायद ठीक से नहीं किया होगा मैंने। आप तो वेदांत के मर्मज्ञ है, आप तो बताते हैं वेदांत के बारे में, इसलिए थोड़ा प्रयास करता हूँ समझने के लिए, क्योंकि आध्यात्म पथ में चल रहा हूँ, आध्यात्म का थोड़ा बहुत पालन करने की कोशिश करता हूँ, और उनका कर्तव्य है कि वेदांत सूत्रों का अध्ययन करना, सुनना, श्रवण करना प्रामाणिक गुरुओं के द्वारा, प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा। लेकिन दुर्भाग्यवश प्रशांत जी, आप जो वेदांत सूत्र का व्याख्या करते हैं,
जो भी मतवाद बताते हैं, जो भी आप वेदांत सूत्रों का अर्थ बताते हैं, उसका कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, कुछ समझ नहीं आता है। वेदांत सूत्रों का जो वाक्य है वो तो मुझे समझ में आता है और मैं समझने की कोशिश भी करता हूँ प्रशांत जी, लेकिन जब आप प्रशांत जी उन सारी वेदांत सूत्रों के वाक्यों की जो अर्थ बताते हैं, जो भी मतवाद देते हैं, जब उन सारी सूत्रों का व्याख्या करते हैं, वो सारी चीज समझ नहीं आता है, पल्ले नहीं पड़ता है। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ। प्रशांत जी सच बताऊं, जो वेदांत सूत्र का वाक्य है वो तो समझ पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, जितनी भी मेरे बुद्धि है उसके द्वारा और जो भी गुरु साधु शास्त्र आचार्यों के द्वारा जितने भी समझ पाए उनकी टीका के द्वारा, वो तो सही है, लेकिन जब आप उनकी व्याख्या कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। वेदांत सूत्रों का जो श्लोक है उसका जो तात्पर्य है वो अपने आप में स्पष्ट है, वही एनाफ है, वही सही है, लेकिन प्रशांत जी आप जो उन सारे सूत्रों का जो भी व्याख्या, जो भी तात्पर्य प्रस्तुत किया है, जैसे कि सूरज को बादल से ढांक देना, जो वेदांत सूत्रों का जो निष्कर्ष है, अल्टीमेट जो कंक्लूजन है, उसको ही आपने छुपा दिया है, उसको ही आपने ढक दिया है, जैसे कि सूरज को बादल से ढक दिया आपने। खुद को वेदांत के मर्मज्ञ बताते हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आचार्य प्रशांत खुद को वेदांत का मर्मज्ञ बताते हैं, वेदांत सूत्रों का मर्मज्ञ बताते हैं आप खुद को, लेकिन उन सारी वेदांत सूत्रों की जो असली तात्पर्य है, असली मतवाद है, असली विश्लेषण होना चाहिए, वह प्रस्तुत नहीं कर रहे, अपना मनगणन अपने मनमर्जी से कुछ अलग ही बता रहे हैं आप। वेदांत जो है वो तो अपने आप में ही सूर्य है, उसके अंदर अलग ही सूर्य का प्रकाश है, लेकिन आपने क्या किया, उन सारी वेदांत सूत्रों की अलग ही मतवाद बताई, अलग ही व्याख्या किया, अलग ही अर्थ, अलग ही कुछ बता रहा है, और जैसे कि उन सूरज को बादल से ढक दिया आपने। वेदांत सूत्र का जो असली सूरज का प्रकाश है, जो प्रकाश की ज्ञान है, वो सही से नहीं बता रहे आप, कुछ अलग ही बता रहे हैं, और वास्तविक अर्थ को ऐसे ही आप छुपा रहे हैं सबके सामने से। जो वेदांत सूत्र का वास्तविक अर्थ है उसको ही छुपा दिया है, या तो फिर आप जानबूझ के उन सारी चीज़ों का व्याख्या नहीं करना चाहते हैं, आप प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, आप अपने मनमानी ढंग से जानबूझकर ही उन सारी चीज़ों का, उस वेदांत सूत्रों का असली व्याख्या मतलब प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं आप छुपाना चाहते हैं प्रशांत जी, वेदांत सूत्रों का जो असली व्याख्या है उसको छुपाना चाहते हैं आप। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि हर आध्यात्मिक व्यक्ति को जो वेदांत सूत्र है, जो वेदांत का जो असली व्याख्या है, असली तात्पर्य है, उसको यथारूप प्रस्तुत करना चाहिए और अपनी जिंदगी में भी, अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। जो शास्त्रों का निष्कर्ष है, जितने भी वैदिक शास्त्रों का सिद्धांत है, उसको यथारूप एज इट इज अपने स्वीकार कर लेना चाहिए खुद को, उसमें कुछ अपना मनमानी अपने तरीके से प्रस्तुत नहीं करना है, अपने मनमानी से अपने मनमर्जी से ढंग से किसी को बताना नहीं है, उसमें तोड़ मड़ोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही प्रकाशित एक सूर्य है जो वेदांत सूत्र है, उसको यथारूप स्वीकार करना है और उसका आप कुछ अलग ही मतलब बता रहे हैं सबके सामने। जो वेदांत सूत्र में दिया गया उसको ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए, नहीं वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, ऐसा मनमानी विचार नहीं करना है, उसमें नहीं लगाना है अपना ज्यादा दिमाग। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन प्रशांत जी वेदांत सूत्र का जो मुख्य अर्थ है उसको ही छुपा कर, उसको ही त्याग कर दिया आपने, और अपने मनोकल्पित जो अर्थ बनाया आपने, जो भी सोच विचार लगाए उस सारी वेदांत सूत्र के ऊपर, उसको ही लेके आप आगे चल रहे, उसको ही लेके बढ़ रहे और समाज को बता भी रहे उन सारी चीज, और यही सबसे बड़ी समस्या है। आपके पास अलग और सारी प्रमाण हो सकता है, लेकिन जो वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष है, जो वैदिक शास्त्रों का जो प्रमाण है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, वो हमारे लिए सर्वोपरि है, जो श्रुतियों में दिया गया है, उसका जो सारी कथन है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ स्वीकार ही नहीं, यथारूप, सिर्फ स्वीकार करने से भी नहीं होगा, यथारूप से स्वीकार करना है हमें, इसमें कोई तोड़ मड़ोर नहीं करना चाहिए। ब्रह्म सूत्र का जो वाक्य है, जो इतने भी सारे सूत्र है, वो अपने आप में ही दिव्य है, एक सूर्य का प्रकाश है, वो सारी वेदांत सूत्र अपने आप में ही तेजस्वी है, उनका अलग ही एक सिद्धांत है, उसमें कोई अपना अलग सा अर्थ मतवाद नहीं करना है, अर्थवाद नहीं करना है उसमें। आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं, कृष्ण क्या मानते हो तुम, वो निराकार है, तो श्री कृष्ण का स्मरण किसी रूप में नहीं करना है, तो उनका तो कोई रूप हो भी नहीं सकता। वास्तव में परम पुरुष एक ही है, वो पूर्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, श्री कृष्ण है, और वो भगवान श्री कृष्ण सारी ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, पूर्ण तरीके से पूर्णता युक्त है भगवान श्री कृष्ण सारी ऐश्वर्यों से। और प्रशांत जी दुर्भाग्य की बात है कि आप उनको निराकार निर्विशेष बता रहे हैं। वेदों में, वेदांत में कहीं भी निराकार के बारे में वर्णन आता है, निराकार बताया जाता है, उसका मतलब, उसका अर्थ यही है कि परम पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ा हुआ जितने भी नियुक्त वस्तुएं है वो सारे दिव्य है, अचिंत्य है, वो सारी चीज गुण जो है गुणों से पूरी तरीके से स्वतंत्र है, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ जो भी चीज है वो सारे डिवाइन है, दिव्य है, और सारे वो सारे चीज जो भी गुण है
तीन गुण हैं, जो भी भौतिक गुण हैं, वो सारी गुणों से स्वतंत्र है। मतलब कि वेदों में, वेदांत सूत्रों में परम सत्यों को, जो परम भगवान है, उनको जब निराकार वर्णित किया जाता है, इसका मतलब यही है कि परम सत्य जो परम भगवान एक पुरुष है, उनका जो रूप है वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। निराकार का मतलब यही होता है जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जिसका कोई भौतिक आकार नहीं है। निराकार का मतलब वो होता है जो भगवान, जो परम पुरुषोत्तम परम सत्य है, जिसका कोई भौतिक आकार नहीं है, वही निराकार है। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना प्रशांत जी। निराकार का मतलब वह है कि जिसका कोई भौतिक आकार नहीं है, इस भौतिक संसार के लोगों के जैसा कोई आकार नहीं है उनकी। उनका आकार है, रूप है, वो दिव्य है, अचिंत्य है, डिवाइन है। और जो भौतिक संसार है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, उसको चलायमान रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए भगवान ने दृष्टिपात की है। तो भगवान ने दृष्टि डाली है इस भौतिक संसार में, उसको चलायमान रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए। अगर कोई गाड़ी को चलाना है, गाड़ी को एक्टिव करना है, वो अपने आप नहीं चलेगा, उसके लिए आदमी चाहिए, उस व्यक्ति चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए। कोई घर खड़ा करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके लिए आदमी चाहिए, व्यक्ति चाहिए। निराकार नहीं है। मैं जो कपड़ा पहन के, आप जो कपड़ा पहन के बैठ के सुन रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, इसको बनाने के लिए एक आदमी चाहिए होता है, वो निराकार नहीं है। उसी तरीके से जो सृष्टि है, ये जो भौतिक संसार है, इसको बनाने के लिए भी एक व्यक्ति की जरूरत है, वो भी एक व्यक्ति है, कोई है बनाने वाला। और जो बनाने वाला है, ये जो बनाया है भौतिक संसार, इस भौतिक संसार से वो श्रेष्ठ है, मतलब भगवान इस भौतिक जगत से वो श्रेष्ठ है, से बढ़कर है, ऊंचा पोजिशन है उनकी। और भगवान ने इस भौतिक संसार के प्रति अगर दृष्टिपात की है, तो मतलब उनकी आंखें है। भगवान ने अगर इच्छा प्रकट की है भौतिक संसार प्रकट करने के लिए, भौतिक संसार बनाने के लिए, तो मतलब वो व्यक्ति है। एक इच्छा किसके अंदर आता है, एक व्यक्ति के अंदर इच्छा प्रकट होती है ना। एक वस्तु विशेष को बनाने के लिए एक व्यक्ति विशेष की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्यक्ति विशेष के अंदर जब इच्छा प्रकट हुआ इस भौतिक विशेष को बनाने के लिए, तो इस भौतिक जगत की सृष्टि हुई। बाइबल में भी मेंशन आता है ना, गॉड डिजायर लेट देयर बी क्रिएशन। तो मतलब निराकार निर्विशेष, उसका कोई डिजायर इच्छा कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मतलब कि ये सारे वैदिक शास्त्रों में, जो जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स है, उसमें जब निराकार की बातें आता है, उसका निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन यही है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, आध्यात्मिक आकार है, एक स्पिरिचुअल फॉर्म है उनकी। और क्या है वो भगवान? तमानुर अग्रयम पुरुषम महानतम, पुरुषम महानतम। अगर उनकी कुछ भी शरीर नहीं है, आकार नहीं है, निराकार है, निर्विशेष है, तो पुरुष क्यों कह रहे हैं पुरुषम महानतम? वैदिक शास्त्रों में ये भी मेंशन है, श्लोक आता है, पुरुषम महानतम। इसलिए बताया जा रहा है कि उनका एक पर्सनालिटी है, व्यक्ति में विशेष सभी विशेष रूप है उनकी, निराकार निर्विशेष रूप नहीं है उनकी, सभी विशेष रूप है भगवान की। स्वरूप, स्वरूप में विशेष, विशेष रूप क्या आता है? नारायण आता है, विष्णु आता है भगवान के रूपों में इनकी। और उन सारी स्वरूप में जो विशेष है, सभी विशेष स्वरूप में विशेष रूप, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, जो मुरलीधारी है, दो हाथ वाले, वो स्वरूप में विशेष रूप है, सभी से रूप है वो भगवान की। इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पर्संस, तमानुर अग्रहम पुरुषम, सारे पुरुषों में वो श्रेष्ठ है, महानतम है। मतलब कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, आध्यात्मिक फॉर्म है, स्पिरिचुअल फॉर्म है। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ, मतलब कि जितना भी वैदिक सूत्र है, वैदिक मंत्र है, वेदांत सूत्र है, उसका चरम लक्ष्य है, परम जो लक्ष्य है उसका, यही बताना है हमें कि भगवान की साकार रूप है, भगवान कोई निराकार नहीं है। और भगवान की चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। और प्रशांत जी, आप जो है इन सारी मुख्य अर्थ को त्याग दी है, जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जो परम सत्य है, उसको निराकार निर्विशेष बता दिया। और भगवान श्री कृष्ण को निराकार निर्विशेष सिद्ध करने के लिए आपके अंदर अलग ही पागलपन मचाया हुआ है, और आप तत्पर है उसको सिद्ध करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण एक निराकार है, निर्विशेष है। ये क्या पागलपन है प्रशांत जी, ये क्या अर्थ निकाला प्रशांत जी आपने कि भगवान श्री कृष्ण निराकार है, निर्विशेष है? ये कितना बड़ा अपराध है भगवान श्री कृष्ण के चरण में। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ। और भगवान श्री कृष्ण के जो छह ऐश्वर्य है सीमित, उसके कोई लिमिट ही नहीं है, वो कैसे निराकार निर्विशेष हो सकते हैं, बताइए मुझे जरा। विष्णु पुराण में भगवान श्री कृष्ण की छह ऐश्वर्य बताया जा रहा है, परम पुरुषोत्तम भगवान की, तो कैसे निराकार हो सकते हैं? निर्विशेष के छह ऐश्वर्य कैसे हो सकते हैं, बताइए जरा। एक निराकार कैसे प्रभावशाली ऐश्वर्यशाली कैसे एक धनी हो सकता है? एक निराकार कैसे वेद का पूरा वेदांत, वेदांत सूत्र का वही हो सकता है, जिस ज्ञाता विद्वान कैसे हो सकते हैं एक निराकार? सबसे बड़ी बात तो है, एक निराकार व्यक्ति सुंदर कैसे हो सकता है? निराकार तो निराकार है, वो सुंदर कैसे हो सकता है? उनका रूप नहीं तो अगर सुंदर कैसे होगा? लेकिन सुंदर के बारे में उनके रूपों का वर्णन आता है, सुंदरम गोविंदम। तो एक निराकार कैसे, निराकार कैसे सुंदर हो सकता है? गंधर्व कोट में विशेषीय शोभनीयम, कैसे हो सकते हैं एक निराकार व्यक्ति? वो निराकार है लेकिन वो सुंदर है, ये कैसे जी? तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो गुरु साधु शास्त्रों को सही से फॉलो करके, वैदिक शास्त्रों का सही मर्मज्ञ सही सिद्धांत समझ के, वो जो निराकार है कि निर्विशेष है, क्या आकार स्वरूप, वो अच्छे से समझ जाता है। और परम पुरुषोत्तम भगवान की तीन मुख्य शक्तियाँ है, और उन सारी ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा भगवान अपना कार्य करते हैं, उपयोग करते हैं, और आप उनको निराकार बता रहे हैं,
शक्ति किसकी होती है? शक्तिमान की होती है, शक्ति शक्तिमान की होती है ना, और शक्तिमान को आप निराकार बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण का स्मरण किसी रूप में नहीं करना है, तो उनका तो कोई रूप हो भी नहीं सकता। भगवान के रूपों का वर्णन, भगवान के अस्तित्व का वर्णन एक वीडियो में नहीं किया जा सकता है। साल जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे, भगवान की वर्णन, भगवान के रूपों की वर्णन, उनकी लीलाओं के वर्णन, भगवान के अस्तित्व के बारे में वर्णन करना एक जीवन, मनुष्य जीवन काफी नहीं है। कितने भी वेदांत सूत्रों को घोट के पील जाओ, कितने भी वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर लो, फिर भी भगवान के अस्तित्व को समझना इतना आसान नहीं है। निष्कर्ष यही है कि भगवान की अनंत शक्तियां है और जीवात्माएं जो है भगवान की नित्य दास है, सेवक है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण रे तटस्थ शक्ति वेद अवेद प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य स्वरूप है वो शाश्वत है और पूर्ण तरीके से, पूर्ण आनंद से परिपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण। तृप्त आत्मा राम, ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ। और जो मनुष्य, जो जीवात्मा, जो व्यक्ति भगवान की स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है, अमान्यता करता है, मान्यता नहीं देते है, कहते भगवान निराकार है, वो यमराज के द्वारा दंडनीय है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव पुराण कहता है। कृष्ण के मुंह में तो वही सब कुछ था जो किसी भी बच्चे के मुंह में हो सकता है, जिसको एक छोटे से बच्चे में समस्त अस्तित्व दिखाई दे गया। आप केवल अपने सूक्ष्म पांडित्य से परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ पाएंगे कभी आप, अपने पांडित्य के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। जो भगवान की सर्वाधिक कल्याणकारी परम पुरुषोत्तम परम सत्य का जो ज्ञान है, उसके लिए भगवत कृपा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का अर्थ है कि कोई अगर भगवान को समझ पा रहा है, उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी गुणों के बारे में, उनके रूपों के बारे में कोई अगर जान पा रहा है, समझ पा रहा है, तो क्या है, परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है वो। तो मतलब कि भगवान की, ईश्वर की कृपा उसके ऊपर है, और आप ये सब बातें स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, वेदांत दर्शन की, वेदांत मर्मज्ञ की बातें करते हो, मतलब आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, आप उनकी रूपों की, गुणों की, लीलाओं की खंडन कर रहे हो, कुछ अलग ही मतवाद बता रहे हो, और ये आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। प्रसन्न जी, हम तो यही चाहते हैं कि जो भी आप बताते हैं, आपके जितने भी अनुयायी हैं उनके सामने आप स्क्रिप्चर्स की रेफरेंस में बात कीजिए, शास्त्रों के आधार में वर्णन है कि नहीं शास्त्रों पे, उसके आधार पे बात कीजिए, और जो भी आप बोल रहे हैं उसको आपको शास्त्रों के आधार पे बोलना चाहिए। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूं। लेकिन आपका जो हृदय है वो तर्क के कारण बहुत ज्यादा कठोर हो चुका है, इसलिए आप परम सत्यों को नहीं अपना पाते हैं, नहीं स्वीकार कर पाते हैं। शास्त्रों का निष्कर्ष, शास्त्रों में जो वर्णन है, जो सारी चीजें, वो आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है, वो आप समझ नहीं पा रहे हो। और आप जैसे मायावादी लोग बहुत चिल्ला रहे हैं बाजार में, मार्केट में, तो उनको शांत करने वाला भी बहुत चाहिए होता है। तो है इस्कॉन संस्था है ऐसे मायावादी दर्शन, मायावादी भाष्य को खंडन करने के लिए, और इस्कॉन जो है भक्ति में स्थिर है और संकीर्तन आंदोलन का भरपूर मात्रा में प्रचार करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज हम जो प्रचार भी कर पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और जितने भी ये जुगनू आज जो यूट्यूब पे यहाँ वहाँ नजर आते हैं, दे आर ऑल गोइंग टू एक्सटिंग्विश। व्हाई? बिकॉज परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण के मुंह में तो वही सब कुछ था जो किसी भी बच्चे के मुंह में हो सकता है, जिसको एक छोटे से बच्चे में समस्त अस्तित्व दिखाई दे गया। जो भी बद्ध जीव है, जीवात्मा है, उनको तारने के लिए, इस भव सागर से उनके निस्तार के लिए वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्रों की, वेदों की, जो भी पुराण आदि वैदिक शास्त्रों की रचना की है, और इन मायावादियों ने उसका पूरा खंडन कर दी है, उन सारी वेदांत सूत्रों की, वैदिक श्लोकों की, वैदिक मंत्रों की, अलग अलग मतवाद, अलग अलग भाष्य सब कर दी है, और भटक रहे हैं, सब भक्ति में नहीं आना चाह रहे, भगवान की सेवा नहीं करना चाह रहे। जीवे रो निस्तार लगी वेदांत सूत्र करी लो व्यास, मायावादी भाष्य सुनी ले हाय गो सर्वनाश। सर्वनाश हो जाएगा मायावादी भाष्य सुनने से। ये जो प्रसन्न जैसे मायावादी है, इनकी भाष्य सुनने से पूरी सर्वनाश हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे आप, कभी भगवान की सेवा में नहीं लग पाओगे, कभी भगवान की भक्ति में नहीं लग पाओगे। मानव समाज के लिए ये जो बद्ध जीव है उनके ऊपर कृपा करके, आशीर्वाद प्रदान करके, वैदिक सिद्धांत, जो भी वैदिक सूत्र है, वेदांत सूत्र है, उन सारी चीज़ों का रचना की है वेदव्यास जी ने, लेकिन इन मायावादियों ने क्या किया, उसका पूरा खंडन कर दिया। और इनकी जो मायावादी भाष्य सुनकर जिनका भी आध्यात्मिक जीवन है वो भी सर्वनाश कर रहे हैं अपना। मायावादियों की थोड़ी भी भाष्य सुन लोगे आप, आपके अंदर थोड़ी भी बची कुची कोई अध्यात्म होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। आप यही सोचोगे अहम भोक्ता, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, एक तू ही निराकार, आत्मा सो परमात्मा, यही सोचोगे हमेशा। सर्वनाश का मतलब यही है कि वो भूल जाएगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, सेवक हूँ। जो भी मायावाद दर्शन का अध्ययन करेगा, मायावाद दर्शन श्रवण करेगा, सुनेगा, प्रसन्न जैसे लोगों के सामने बैठ के मायावाद का दर्शन का श्रवण करेगा, सुनेगा, उसका सर्वनाश पक्का है, उसका आध्यात्मिक जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। वो कभी भी भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में नहीं लग पाएंगे, और क्या करेंगे, यम द्वार का टिकट कन्फर्म कराएंगे,
आरएसीबी नहीं, रिजर्वेशन नहीं, हो सकता है तत्काल में मिले। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ। तो निष्कर्ष कंक्लूजन में ही पहुंचना है, वेदांत सूत्र का मतवाद यही बताना है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और इसको कहता है शक्ति परिणामवाद, जिसको वैष्णव गण स्वीकार करते हैं, और मायावादी लोग क्या करते हैं, ब्रह्म परिणामवाद, ब्रह्म में विकार आ गया इसलिए वो निराकार हो गया। कुछ भी, अगर वो अव्यक्त अक्षर ओंकार है तो उनका तो कोई रूप हो भी नहीं सकता। मुख्य ध्वनि जो है वो ओंकार है, प्रणमाहम सर्ववेदेषु, भगवान बोल रहे हैं आई एम द ओंकार, आई एम द साउंड वाइब्रेशन, वो जो ओंकार का जो साउंड वाइब्रेशन है वो मैं हूँ। आई एम द ओंकार साउंड वाइब्रेशन इन द वेदास, वेदों में जो ओंकार है साउंड वाइब्रेशन है वो मैं हूँ। प्रणमाहम सर्ववेदेषु, भगवान ये कह रहे हैं कि मैं अव्यक्त ओंकार नहीं हूँ, निर्विशेष निराकार नहीं हूँ, वेदों में जो ओंकार है वो मैं हूँ, मैं अव्यक्त ओंकार नहीं हूँ। अलग अलग मतवाद, अलग अलग भाष्य, कुछ भी है मायावादी भाष्य है, ये सब पढ़ने से सर्वनाश होगा। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ, और सभी संबंध के जो केंद्र है वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और उन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना हर जीवात्मा, हर व्यक्ति, हर मनुष्य का परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का परम चरम कारण है, वही मनुष्य जीवन का सर्वाधिक धर्म है। सबे पुंसम परो धर्म यथोर भक्ति अधक सुच, और भगवत प्रेम की जो परम प्राप्ति वही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, जो भगवत भक्ति करके प्राप्त होता है। लेकिन क्या कहा जा सकता है, जो भी अधर्मी हैं वो तो वैदिक शास्त्रों को सही से स्वीकार ही नहीं करते हैं, पुण्य रूप से मानते नहीं है वैदिक शास्त्र को, तो शून्यवाद निराकारवाद का प्रचार करते हैं, और इन कैटेगरी में जो श्रेष्ठ आता है मायावादी वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ, कि वेदांत सूत्र पढ़ के, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके, वेदांत का मर्मज्ञ बता के भगवान की जो स्वरूप सकार है उसको अस्वीकार करना, ये तो सबसे बड़ा अपराध है। कहने का मतलब है कि कंप्लीटली एथिज्म, एथिस्ट सबसे बड़े नास्तिक है कहा जा सकता है एक प्रकार का। वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, वेदांत का मर्मज्ञ बता रहे हैं, वेदांत सूत्र का व्याख्या कर रहे हैं, और यही बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण निराकार है, ये तो सबसे बड़ी नास्तिक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी, अपराध कर रहे हैं कृष्ण के प्रति, मायावाद के भाष्य का प्रचार करके अपराध कर रहे हैं श्री कृष्ण के प्रति। जो भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और भौतिक इच्छाओं से विरक्त है, कोई भी भौतिक कामना इच्छा नहीं है उनके अंदर, और वैष्णवगण भक्तोंगण उनकी सेवाओं के प्रति, उन्हीं के भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं कृष्ण क्या मानते हो तुम, वो निराकार है, तो श्री कृष्ण का स्मरण किसी रूप में नहीं करना है, तो उनका तो कोई रूप हो भी नहीं सकता। और ऐसे जो अज्ञानी कम बुद्धिमान लोग हैं वो लोगों को गलत रास्ते में चलाते हैं, जो इनकी उनको अनुसरण कर रहे हैं, जो अनुयायी है सब फॉलो करते हैं इनको। जो एक व्यक्ति पत्थर की नाव में बैठा है और ये भी सब चढ़ गए यात्री बन के, और एक साथ सब डूबेंगे नाव लेके, तो इसलिए हमेशा सावधान रहना पड़ता है। आप किससे श्रवण कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो वैदिक शास्त्र के बारे में क्या बता रहे हैं, वेदांत सूत्रों के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो अच्छे से सतर्क रहना चाहिए आपको। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ। अगर आप ठगे जाना चाहते हो, गलत गलत भाष्य वेदांत सूत्रों का गलत गलत मतवाद सुनना चाहते हो, तो किसी से भी जाके सुन सकते हो। उनको 100 लोग सुन रहे हैं तो हमें भी सुनना चाहिए। अगर उनको कोई इतना ज़्यादा सुन रहे तो मतलब वो ऑथोराइज्ड हो गए, वो प्रामाणिक हो गए वेदांत सूत्रों का बारे में, उनके पास से सुनना सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हमारे लिए अच्छा है। अगर ऐसा ही है तो आप ठगे जा रहे हो, बेवकूफ बन रहे हो। हमारे भारत देश का सबसे बड़ा यही समस्या है, लाखों लोग उनको सुनते हैं, मिलियंस पे व्यूज है, मिलियंस पे देखते हैं उनकी बातें, यही सबसे बड़ा समस्या है। आसमान में भी बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ताराए होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उनका क्या काम है, एक सूर्य काफ़ी है ना, एक सूर्य का प्रकाश ही सही है। लाखों लाखों तारे नक्षत्र स्टार्स लेके क्या फायदा है, केवल संख्या में वृद्धि हो रहे हैं, संख्या में उनके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, देख रहे हैं सब उनको, तो हमें भी वेदांत सूत्रों के बारे में उनके पास जाके सुनना चाहिए, तो उसका कोई उपलब्धि नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। पता नहीं कुन लोगों के पास ऐसे बाक सिद्धियाँ होती है, वार टेक्निक खेलते हैं, बातों की माया जाल होती है, वो लोग कुछ भी बोलते हैं और सामने बैठे हुए सब कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी बकवासबाजी सुन लेते हैं उनकी, कुछ भी विश्वास कर लेते हैं, होते हैं ऐसे बहुत सारे। कई बार समझ में नहीं आते कि लोग इन लोगों को फॉलो क्यों करते हैं, टोटल बकवासबाजी सुनते हैं बैठ के पूरे दिन, कैसे सुन लेते हैं पता ही नहीं, ना कोई स्क्रिप्चर्स की रेफरेंस में बातें, ना कोई शास्त्रों के आधार पे लॉजिक, कुछ नहीं, टोटली बकवासबाजी करते हैं और सुनते हैं बैठ के सामने घंटे भर घंटे। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ। यू विल नॉट स्पीक ट्रूथ अबाउट द वेदांत सूत्रस, जब तक आप प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं तब तक आपको नहीं समझ आएगा वेदांत सूत्र के बारे में। इसीलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं इफ यू वॉन्ट टू रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। मेरे बातें सुनकर बहुत लोगों को बुरा लगेगा, चुपड़ी चुपड़ी चिकनी चिकनी बातें करेंगे, बहुत एरोगेंट है, गुस्सेल वाली बातें करता है, बहुत गुस्सेल है, चुपड़ी चुपड़ी चिकनी बातें करोगे, समझौता करोगे, ऐसे कैसे क्या फायदा है चुपड़ी चिकनी बातें करके, जो सच्चाई हो बताना है, दूसरों को खुश करने के लिए चुपड़ी चिकनी बातें कुछ अलग बताना, अपने ही मनगढ़ंत कहानियां क्या फायदा है, बकवासबाजी है टोटली। जो सत्य हो बताएगा, किसी को बुरा लग सकता है, बुरा लगे अच्छा लगे
कुछ भी लगे, एरोगेंट लगे, ये लगे, चुपड़ी चिकनी बातें नहीं करना है हमें। शास्त्रों के आधार पे, गुरु साधु शास्त्र क्या कहता है, पवित्रता के आधार पे, वो इस पे ही आधार पे हमें प्रचार करना है, प्रीचिंग करना है, बोलना है। वो बुरा लगे सही लगे हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता। जो सत्य है, जो सच है, जो वैदिक शास्त्रों में असली जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वही बताएंगे हम। दैट इज द होल पॉइंट। कभी कभी डाउट आता है ना कि लेकिन वो इतने फेमस हो रहे हैं, फला फला जुगनू का क्या? अरे ये जुगनू हो या सब मजनू हो, कुछ जब सूरज निकलता है तो जुगनू की रोशनी कुछ नहीं होती। तो जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कृपा का या हरे कृष्ण महामंत्र का सूरज उगा है ना, तो इसलिए सब जुगनू वुगनू आएंगे, वो कुछ बोल बाल करके चिकन पकड़ी आउड़ी आबूंगी करके निकल जाएंगे। दैट्स इट, कुछ नहीं। ये कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ। स्वार्थ छुपा हुआ होता है, धन की आशा, अनुयायी की आशा, फॉलोअर्स, इतना मिलियंस, ये मिलियंस फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूज, जब इनकी आशा होती है, हमें अनुयायी चाहिए, नहीं तो हमें छोड़ के भाग जाएंगे, कोई नहीं देखेंगे, तब जाके कोई सच नहीं बताता है, सत्य नहीं बोलता है। ऐसे लोगों की हिडन एजेंडा होती है, कोई बुरा ना मन जाए हमारी बातों में, इसीलिए सत्य नहीं बताएंगे, समझौता करेंगे, ऐसे हम नहीं करने वाले। जब आपके कोई स्वार्थ होगा, एजेंडा होगा, छुपा हुआ एजेंडा, तब आप सच कैसे बताओगे? चुपड़ी चुपड़ी चिकनी चिकनी मीठी मीठी बातें करोगे ना, तो हम नहीं कर सकते। कुछ भी लगे आपको, उसमें हमें कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ता है, जो सत्य वही बताएंगे। हमें अपने मनगढ़ंत कहने से वेदांत सूत्रों की वाक्य नहीं बताना है, भाष्य नहीं करना है, गुरु साधु शास्त्रों के आधार पर उन सारी चीजों पर बात करनी है, बतानी है सबको। धर्म के प्रचार में, वैदिक शास्त्रों के ज्ञान में, शास्त्रों के ज्ञान में नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं चलेगा। और इन सारे लोगों का कहना है कि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने ही बोला है, उनके अंदर से वही निराकार निर्विशेष ब्रह्म बता रहे, कोई और बता रहे उनके अंदर से, ठोठाली बकवास बाजी। इन सारे लोग उन भगवान कृष्ण पे विश्वास करते हैं कि जो भगवद गीता उनके अंदर से कोई और बोल रहा है, लेकिन भक्तगण वही भगवान श्री कृष्ण पे विश्वास करते हैं जो स्वयं भगवद गीता बोलते हैं। हमारे आचार्यगण भी कोई समझौता नहीं किया शास्त्रों को लेके, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हम भी नहीं करेंगे। उनकी बताया हुआ जो भी निर्देश है उसका पालन करेंगे, और शास्त्रों का बताया गया आचार्यों के द्वारा जो भी टीका मतवाद है उसके आधार पर ही बात करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज, नो समझौता, नो चुपड़ी चिकनी मीठी बातें। अच्छे लगे तो सुनना है, नहीं अच्छे लगे तो नहीं सुनना है। किसी मायावादी निराकारवादियों के सामने जाके बैठना है और वेदांत सूत्रों को लेकर अलग अलग भाष्य, अलग अलग मतवाद सुनना है और अपनी जिंदगी बर्बाद करना है, क्योंकि वी आर नॉट हेयर टू प्लीज पीपल, वी आर हेयर टू प्लीज गुरु साधु शास्त्र ऑफ द प्रीवियस आचार्य। जिसको जो चाहिए वही मिलेगा उनको, क्योंकि आजकल के लोगों को सस्ता प्रचार चाहिए, सस्ता गुरु चाहिए, सस्ता संस्था चाहिए, सस्ते लोग चाहिए, सस्ते लोग जो कोई नियम रेगुलेशन नहीं होते उनको फॉलो करना चाहते हैं सब, क्योंकि जो सिद्धांत है वैदिक शास्त्रों का असली सिद्धांत है वो हीरा है, उसको लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हीरा सब कोई खरीदने का कैपेसिटी नहीं है सबके पास, हीरा सब कोई नहीं ले सकता है। तो ये भक्ति का जो मार्ग है, भगवान श्री कृष्ण का जो सेवा का मार्ग है, ये हीरा है, हर कोई नहीं लेना चाहता है, हर कोई नहीं अपनाना चाहता है, क्योंकि इसमें बहुत नियम है, बहुत रेगुलेशन है, बहुत कुछ मानना पड़ता है, ये हर किसी को नहीं मानना है, इसलिए अलग अलग जगह में भटकते हैं। और सिर्फ शास्त्रीय पढ़ लिए, वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए, वेदांत सूत्रों के अध्ययन कर लिए और अपने मन मर्जी से खेली पलब कुछ बनाए और बोलने लगिए, समझने लगिए, ऐसे नहीं होता है। किसी से आप अगर सुन रहे हो, कोई ग्रंथ अगर पढ़ रहे हो, कोई स्क्रिप्चर्स का अध्ययन कर रहे हो, तो उसके बारे में परामर्श करना भी होता है, जिससे आप सुन रहे हो और जिससे आप पढ़ रहे हो उसको लेके आपको एक प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक व्यक्ति से उसके बारे में परामर्श करना पड़ता है, उसके बारे में चर्चा करना पड़ता है। सिर्फ सुनने से नहीं होता है और अपने मनगढ़ंत कहानी बना के प्रचार करना नहीं होता है, उसके बारे में आपको परामर्श करना पड़ता है, जानना पड़ता है, सवाल प्रश्न उत्तर करना पड़ता है। सिर्फ सुन लिए और मान लिए, कोई भी कुछ बकवास करेगा, बोलेगा, सुनेगा और उसको कोई सुन रहे बैठ के सामने। और इन सारी वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष, वेदांत सूत्रों का असली व्याख्या अर्थ समझने के लिए प्रामाणिक गुरु की, प्रामाणिक वैष्णवों की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो नहीं समझ सकते हैं। किसी के भी पास जाके सुनोगे तो भ्रमित होगे, वो मायावाद की भाषा ये बताएगा आपको। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।